Hello everyone, this is Khushbu and today I have with me the MP of Udhampur-Kathua constituency, Dr. Jitendra Singh. He's the MOS for Donner, MOS for PMO, Department of Atomic Energy and Space. Welcome sir. Welcome to the show. सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन मिशन शक्ति जो हमने अभी किया व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट नो सर्टेनली सर्टेनली बिकॉज आल्सो बिकॉज आई हैपन टू बी इन अ वे कनेक्टेड स्पेसिफिकली विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लुकिंग आफ्टर इट एंड सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले तीन चार वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस प्रकार की सफलता एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से भारत को प्राप्त हुई है ऐसी दशकों में नहीं मिली And now India is a frontline nation as far as space is concerned. और इसमें that is fourth as far as this mission is concerned, but even otherwise as a whole. और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शायद हमारे ध्यान से कभी कभी निकल जाती है वो ये है कि we started off very late on our space journey. लेकिन ऐसे देश जो हमसे कई साल कई दशक पहले अपने अंतरिक्ष का कार्य जिन्होंने प्रारंभ किया था उनसे उदाहरण के तौर पर तत्कालीन सोवियत यूनियन दी देन सोवियत यूनियन और यूएसए जिन्होंने कई दशक पहले अपने स्पेस कार्यक्रम आरंभ किए थे आज हम उनसे भी आगे हैं और जब हमने ये कार्यक्रम स्पेस के और स्पेस के प्रयोग प्रारंभ किए साराभाई विक्रम साराभाई के नेतृत्व में और उनके साथियों के द्वारा तो मैं कभी कभी ये कल्पना करता हूँ कि दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया होगा क्योंकि हमारा रिश्ता ही क्या था अंतरिक्ष के साथ या स्पेस के साथ चंद्रमा के साथ हमारा चने बड़े बकाए बनाए भूर के और आप खाएं थाली में इतना मात्र कविता तक मात्र जो दादी माँ की कविता है वेरेज लुक एट द आयरनी अमेरिका लैंडेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ मून इन 1969 नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने एक बहुत बड़ा वो मुकालमा डायलॉग कहा था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ ह्यूज स्टेप फॉर मैनकाइंड लेकिन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून वाज डिटेक्टेड बाय एन इंडियन मिशन कॉल्ड चंद्रयान वन तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अमेरिका ने अपना आदमी उतारा तो सही ज़रूर चंद्रमा के धरती पर वो आगे पीछे उसको पानी नज़र नहीं आया पानी हमारे मिशन को नज़र आया और आज ये स्थिति है कि जैसे हमारी मार्स मिशन है उसके द्वारा उपलब्ध किए गए चित्र नासा और जो बहुत विकसित विज्ञान केंद्र हैं अंतरिक्ष के वो उपलब्ध करवा रहे हैं सो वी हैव एक्चुअली टेकन ओवर इन अ बिग वे हैविंग स्टार्टेड मच लेटर देन देम इसके अतिरिक्त मोदी जी के शासनकाल में बहुत बड़ी उपलब्धि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भी रही कि नाउ स्पेस हैज एंटर्ड ईच एंड एवरी इंडियन हाउस होल्ड उदाहरण के तौर पर ये मात्र पहले आप कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट लॉन्च हुआ किसी को मालूम नहीं कहाँ है श्रीहरिकोटा अब मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से विद हिज पर्सनल इंटरवेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट रेलवे ट्रैक्स के नेटवर्क बिछाने में रोड्स के सर्वे कठिन कठिन पुलों का तामीर निर्माण कार्य थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी जियो देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जियो मैं रहेगा हाँ उसमें थोड़ा सा हमारा भी प्रयास रहा तो फर्स्ट एवर स्पेस सेंटर इन नॉर्थ इंडिया इज कमिंग अप इन जम्मू और मनरेगा जियो मनरेगा जियो टैगिंग तो स्पेस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उपयोग में लाने का रास्ता अगर हमवार हुआ तो मोदी जी के हस्तक्षेप से हुआ और आज तो हर घर में स्पेस है हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा में स्पेस का उपयोग किया जा रहा है अभी इसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप वहाँ बैठे तो इतना अद्भुत सीखने लायक वहाँ दृश्य है कि आपको पाकिस्तान के हर घर के अंदर लोग चलते फिरते नज़र आएंगे So we have actually widened the applications of space technology, making it a household application in the last 4 to 5 years. That's brilliant, sir. Next question that I want to ask you about is the constituency you're from. So what are the major three developments jo aap batana chahenge ki kaun si essentially udhar hi rahi hain jo logon ko pata honi chahiye? I think agar aap sach poochhein to itni sari hain aur itni बड़े व्यापक स्तर की हैं दी फर्स्ट ऑफ देयर काइंड दी नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स फर्स्ट इन इंडिया टाइप्स तो जैसे आप लता मंगेशकर को पूछेंगे कि कौन सा गीत सबसे अच्छा है तो उनको थोड़ा समय लग जाएगा बट टॉप थ्री जो आपके माइंड में टॉप थ्री में भी बहुत आएंगी पर मैं फिर भी आपको गिनवाता हूँ आप अगर लखनपुर जो प्रवेश द्वार है
प्रदेश जम्मू कश्मीर का भी और इस कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से चलें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक मिलेगा देखने को, दी मॉन्यूमेंट ऑफ डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप लखनपुर से अंदर जाते हैं तो फर्स्ट एवर इंटर स्टेट ब्रिज ऑफ द स्टेट कॉल्ड कीड़िया गड़ियाल ब्रिज, कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ 150 करोड़. लोग कहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स पहले के हैं, कुछ ये कहते हैं कि शुरू तो किए मुकम्मल नहीं, पहले हुए थे बस कंप्लीट अभी हुए हैं या इनॉग्रेट हुए. तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि वहाँ जाएँ, एक तरफ फाउंडेशन स्टोन लगा है 2015 का, एक तरफ इनॉग्रेशन स्टोन लगा है 2018 का, कृपा करके दोनों की सेल्फी लीजिए. हाँ, तो लोगों के यही क्लेम है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो मैं आपको, आजकल तो एविडेंस बेस्ड युग है ना, तो आप पत्रकार मित्रों का काम है कि इस बात तर्क को साबित करें. मैं तो तर्क से बात कर रहा हूँ. कीड़िया गड़ियाल से आप, हमारा पहला स्मारक शुरू होता है प्रवेश करते ही, एक तरफ है ये फाउंडेशन स्टोन 2015 में, कौन थे, हम थे कि वो थे. इनॉग्रेशन स्टोन 2018, हम थे कि वो थे. तो सामने हाथ कंगन को आरसी किया, आगे चलिए मेडिकल कॉलेज, उसका सेशन इस बार शुरू हो रहा है, उसको उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था आज से 3 साल पहले, हम थे कि वो थे. उसके आगे चलिए इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका सेकंड सेशन आज शुरू हो गया, रूसा अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2016 में उसका हुआ, वो तो सारे वहाँ रिकॉर्ड में है. उसके आगे चलिए सीड प्रोसेसिंग प्लांट, इन 3 प्रदेशों के लिए पहला उच्च श्रेणी के बीज के उत्पादन के लिए, जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब तीनों प्रदेशों को देगा, उसका भी फाउंडेशन स्टोन 2 साल पहले लगा, 6-8 महीने में काम करना शुरू कर देगा. उसके आगे चलिए बायो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उत्तर भारत की सर्वप्रथम लखनऊ के बाद 2014 में उसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ. वहाँ जाके देखिए फाउंडेशन स्टोन लगा, 3-4 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा. उसके बाद अब मैं भी बताऊँगा जो उनके हैं. उसके बाद आप आगे चलिए जुथाना का पुल, उसके बाद आगे चलिए 12 BRO के ब्रिज, वहाँ पत्थर लगे हैं, फाउंडेशन स्टोन भी लगे हैं और इनॉग्रेशन स्टोन भी चाहते हैं. मैं चाहूँगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हम कंडक्टेड टूर अरेंज करने के लिए तैयार हैं अलॉन्ग विद अ गाइड, उन सब विरोधियों के लिए या संदेह वाले मित्रों के लिए, कि जा करके खुद देखें. आगे चलते जाइए, इस तरह से गिनाने लगूंगा सारा दिन लग जाएगा. उधमपुर में रेडियो स्टेशन, फाउंडेशन स्टोन 2016, इनॉग्रेशन स्टोन जनवरी 2019, किसका शासनकाल था. देविका प्रोजेक्ट, कहा जाता है कि हम लाए थे 3 फरवरी, आप पत्रकार मित्रों ने ही रिपोर्ट किया, प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया, काम जारी है. तो आजकल तो एविडेंस बेस्ड युग है, सब कुछ गूगल पे है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है. हाँ, सवाल ये है कि जो उन्होंने किए थे वो क्यों नहीं आगे बढ़े. अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, जो आपको कभी मौका लगे तो उनसे पूछिएगा. शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 बरस पुराना, जब शेख अब्दुल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, आप तक क्यों ठंडे बस्ते में पड़ा था. जब वो प्रोजेक्ट चालू होगा तो कंडी का क्षेत्र कंडी नहीं कहलाएगा, सिंचाई और बिजली से मालामाल हो जाएगा. ना केवल कठुआ का ज़िला, बल्कि पड़ोस में पंजाब की दूसरी तरफ गुरदासपुर का ज़िला. आप अनुमान नहीं लगा सकती, ये प्रोजेक्ट जब मंजूर हुआ, अब तो इसका निर्माण कार्य जारी है, जिनको संदेह वजा करके देखें, क्योंकि पंजाब की तरफ पर काम होता है. तो पंजाब के लोगों ने जश्न मनाया, हमारे लोग कह रहे हैं शक हो रहा है कि नहीं है, जैसे एयर स्ट्राइक पर शक है. अब उसका क्या इलाज है, उसका तो ये इलाज है कि अगली बार जब कैप्टन अभिनंदन जाए तो उसके जहाज के नीचे लटका दीजिए इन संदेह वालों. तो मैं आपसे बताता हूँ कैसे क्लियर होगा, ये इसी से होगा, 1-to-1 वाला बता दो जरा पठान की. ये मैं बता रहा हूँ ना आपको कि शाहपुर कंडी 40 साल से बंद बस्ते में पड़ा था. सवाल तो हमने करना है, क्यों पड़ा था, क्यों कर, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसको नहीं लाया गया, क्या ये राजनीतिक मजबूरी थी, क्या ये आपकी प्राथमिकता नहीं थी, या क्या आप समझते थे कि क्षेत्र का भला ना हो. प्रधानमंत्री के आगे बात रखी गई, मोदी जी के आगे, उनके हस्तक्षेप से सीरीज ऑफ मीटिंग्स वर हेल्ड इन्वॉल्विंग चीफ सेक्रेटरीज ऑफ बोथ दी स्टेट्स, उसके बाद ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ. पंजाब ने दोनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने औपचारिक इसमें अपना अनुमोदन करना था, पंजाब की तरफ से हो गया. यहाँ पर जो उस समय मुख्यमंत्री थी महबूबा, उनको थोड़ा सा इसमें इतराज़ था, क्यों इतराज़ था ये उनसे पूछना जी. जैसे ही गवर्नर राज हुआ, हमने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के आगे बात रखी, तुरंत उन्होंने उसकी मंजूरी के हस्ताक्षर किए, आज वहाँ काम जारी है. अब वहाँ जा करके देखें, विजुअल्स हम रोज चढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे, फिजिकली आप जाके देखें, गाड़ी वाहन का हम इंतजाम कर देते हैं. अब जब एक मकान सामने बन रहा है, ताजमहल सामने बन रहा है, हम कह रहे हैं हम आपको वाहन लेकर के वहाँ पहुँचाएंगे, आप सेल्फी खींचिए, फिर भी आप कहते हैं नहीं हुआ. तो ये तो वैसी ही बात हुई ना, आप कहें एयर स्ट्राइक नहीं हुई, इसका क्या कर सकते हैं. दूसरा, रेडियो स्टेशन जो उधमपुर का, 1965 में मांग आई थी इसकी, जब पहली बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और इसके पीछे एक बहुत औचित्य था मांग का, कि वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल बजता था, क्योंकि तब टेलीविज़न का दौर अभी शुरू नहीं हुआ था, और सुरक्षा दृष्टि से भी इस मांग में एक औचित्य था. उसको लेकिन क्यों नहीं सुना गया,
क्योंकि शायद वो प्राथमिकता में नहीं आता। ये देवी का नदी, ये तो आपसे और मेरे से पहले ही पैदा हुई होगी, सदियों से बहती आ रही ये नदियाँ, इसके किनारे अनेकों पीढ़ियाँ पल बढ़ करके परवान चढ़ी। ये देवका हमारी आस्था का विषय, गंगा मैया की बड़ी बहन माना जाता है, पर्यावरण का वही विषय, आस्था का वही विषय, वही देवका, वही उधमपुर, वही लोग। तो ये प्रोजेक्ट कब, अब ये कह रहे हैं इन्होंने शुरू किया, लेकिन आप टेलीविज़न के विजुअल्स आपके पास हैं, 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ घोषणा करके कहा 119 करोड़ का प्रोजेक्ट, काम अगर देखना है तो वहाँ जारी है, अब जाके देख सकता है कोई। हम गाड़ी अरेंज कर देंगे आपको, सेल्फी के लिए कैमरा दे देंगे। अब बताइए, अब ये ऐसा है कि हुआ क्या है कि बैंकरप्सी है जिनके पास कुछ कहने को नहीं है। अब जैसे होता है कि घर में 4 भाई हैं, एक कोई थोड़ा सा ज़्यादा खुशहाल है, उसने मकान बना दिया, अब दूसरे 3 कैसे उसको अंडर प्ले करते हैं, आपने देखा, ये तो हिंदुस्तान के घर घर में कहा है। इसी प्रकार भद्रवा देखिए, इसके आगे चलते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ तो 2 घंटे लग जाएंगे। भद्रवा में हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन किसी पहाड़ी प्रदेश में बनना था, उत्तराखंड भी पहाड़ी है, अरुणाचल भी पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी है, ये हमारे प्रयास से भद्रवा में हुआ। 15 जनवरी 2019 को फाउंडेशन स्टोन श्रीपद नायक आयुष मंत्री जी को लगाया गया, उन्होंने लगाया, नीचे हमारा भी नाम आया, जाकर के देख लीजिए, सेल्फी लीजिए। इसके बाद किश्तवाड़ में पक्कल डुल प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का, बिगेस्ट एवर पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 19 में, मैं तिथि दे रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ, तथ्य दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कहाँ जाके पत्थर लगा जाके देखाइए। 19 में 2018 जब प्रधानमंत्री आए थे तब भी आए थे तीनों जगह, उस दिन उनके हाथों से ये लॉन्चिंग हुई है। पाडर में डिग्री कॉलेज बनाने की मांग कई वर्षों से थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ से वोट नहीं मिलता था, बड़ी घिनौनी राजनीति खेलते रहे ये वोट को लेकर के, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना के अंतर्गत बनाया गया, अब वहाँ पर सेशन जारी है, जाके बच्चों से पूछ लीजिए आप कब आए, कहाँ से आए, ये तो सारी बातें बिल्कुल सामने। 3 टनल निर्माणाधीन है, कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर, अब ये कहेंगे दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, 5 साल नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे कौन सी कंपनी कर रही है हम उसका नाम दे देते हैं। कटरा से जब ये निर्माणाधीन होकर के तैयार हो जाएगा तो कटरा से लेकर के जम्मू होते हुए दिल्ली पहुंचने में मात्र आपको 5 या 6 घंटे लगेंगे, कोई रेलगाड़ी या जहाज़ में बैठना पसंद नहीं करेगा, सीधा आप घर से अपनी गाड़ी निकालिए और हिट दी रोड। तो ये तो सारे सामने हैं, ये तो अच्छी बात है, एंड दीज आर आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे पहला हाईवे विलेज, एक ये कठुआ से जब आप जम्मू की तरफ आए लंगेट मोड़ सा है, वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, जाके देख लीजिए, काम जारी है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। विदेशों में सुनते थे ना कि हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो लोग आपको सुनाते थे हम, हाँ, रिक्रिएशन हाउसेस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट पहली बार हिंदुस्तान में मोदी सरकार के द्वारा लाया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। जब हमें भनक लगी तो हमने सबसे पहला हाईवे विलेज कठुआ के लिए लिया, दूसरा उधमपुर के लिए, दोनों जगह निर्माण कार्य जारी है। जो कठुआ वाला है मुझे लगता है 1 साल के भीतर तैयार हो जाएगा, काम देखने को जा सकते हैं, बल्कि हम तो समय समय पर हर सप्ताह अपडेट स्टेटस देते हैं निर्माण कार्य का अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कहाँ तक डेवलपमेंट है और पत्थर वहाँ लगा है सेल्फी खींचने के लिए। ठीक है सर, अब आप लोग जाइए और सेल्फी खींचिए, बहुत सारी जगह है सर ने जैसे बताई, और एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, ये तो टिक टैक की बात तो अलग है, अदरवाइज ऑल्सो ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो सेल्फी के लायक हैं। कीड़िया गड़ियाल पुल पर आज जाकर के बच्चे शाम को अपने बाइक्स पार्क करके वहाँ पर उसका रावी नदी का नज़ारा देखते हैं। इसी प्रकार ये इंडस्ट्रियल बायोटेक है, ये उत्तर भारत का सबसे पहले, वाकई ये सेल्फी खींचने लायक है। और अटल सेतु, हाँ वो सोनिया गांधी से इन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगवाया था, लेकिन 10 साल से वो रुका पड़ा था। मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री बने, हमने उनके पीछे दिन रात एक कर दिया कि इसको जल्दी करिए, बोले क्या है इसका पीछे राज है जल्दी करने का, मैंने कहा इसलिए हम चाहते हैं इसका नाम वाजपेयी जी के नाम पर अटल सेतु रखें, उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है। तो वो बड़े प्रभावित हुए हमारे इस विचार से, उन्होंने समय से पहले पूरा कराया। एक ऐसा पुल जो कई वर्षों से बन रहा था उसको 6-8 महीने में तैयार करके 24 दिसंबर वाजपेयी जी की जन्मदिन की पूर्व संध्या को लोकार्पित हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपने फंड से, संसदीय फंड से, वहाँ टॉयलेट्स बनवाए, वहाँ पर अब रिक्रिएशन एक हाउस बना रहे हैं। आज ये दिशा है कि वहाँ पर शाम को परिवार पिकनिक टाइप मनाने आते हैं, जब
गर्मी का मौसम होता है और एक नया एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे भी मालूम नहीं था कि जो यंगस्टर्स में है कि प्री वेडिंग कुछ आजकल वो शूटिंग होती है, तो मैं गया एक दिन तो वहाँ छोटे छोटे कपल्स बैठे हुए थे, मैंने कभी किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, बोले नहीं साहब आपको मालूम नहीं है आजकल ये नया कॉन्सेप्ट है प्री वेडिंग, तो प्री वेडिंग शूट का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ जा करके सीखा। तो ये वाकई जाएंगे तो इनका दिल करेगा सेल्फी खींचने का, भले ही उनका विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलती हो, लेकिन उनका दिल मन ही मन करेगा कि हम भी सेल्फी खींचे। जी सर। सर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे कि आपने लास्ट टाइम 60,000 वोट्स के मार्जिन से यू वन एंड पीडीपी ने 35,000 वोट्स से यू नो जीता, आई मीन उनका 35,000 वोट्स थे, ठीक है, तो इस बार डीएसएस भी है, तो आप क्या व्हाट इज द स्ट्रेटजी नाउ, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वोट बन जाएगा। इट इज नॉट सो सिंपल अरिथमेटिक कि पीडीपी ने 35,000 लिए थे और कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो 35,000 हमारे कम हो जाएंगे, किसी और के भी कम हो सकते हैं और किसी और के हमको आ भी सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गणित में ना जाते हुए मैं मोटे तौर पर आपको कह दूँ, और हम एक बार फिर बैठेंगे 23 मई को कि इस बार लीड पिछले बार से ज़्यादा होगी। ज़रूर सर, ठीक है, तो मतलब आप जो बोल रहे हैं जो डिवीजन ऑफ डोगरा वो हमारे हक में होगी। अच्छा, ठीक है ठीक है, ये तो सब जो पिछली बार भी जो वोट दिए डोगरों ने ही दिए, डोगरे आज थोड़ी पैदा हुए, तो ये तो सदियों से पैदा हुए हैं, तो पिछली बार भी जो हमको वोट मिले डोगरों के ही वोट मिले, तो डोगरों के भी मिलेंगे, भद्रवाहियों के भी मिलेंगे, किश्तवाड़ियों के भी मिलेंगे, सबके मिलेंगे। जी सर, तो लाल सिंह ने थोड़ा कुछ देर पहले बोला था अगर बीजेपी जम्मू को सेपरेट स्टेट बना देता है तो वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेंगे, उसमें हम जाना नहीं चाहते, ट्रैफिकेशन स्टेट की कोई आपकी है ऑन द कार्ड्स? नहीं नहीं, उसमें हम जाना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, किसी व्यक्ति के कहने पर तो चलता नहीं, अब कोई क्या कह रहा है वो उनको मुबारक, हमने तो नहीं कहा, हम उस बात का उत्तर दे सकते हैं जो हमने कहा हो, बाकी प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपना विचार रखने की। तो दैट मींस कि अभी बीजेपी का स्टेट का कभी कभी अगर बात चलती है वो तो भारतीय जनता पार्टी ये कोई माँ बेटे की पार्टी थोड़ी है, ये तो वो बातें वो लोग करते हैं जिनको कांग्रेस का अनुभव होता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनुभव होता है, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके भीतर भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसके एक डिसीजन मेकिंग का भी मैकेनिज्म है, जो देश हित में होगा, प्रदेश हित में होगा, क्षेत्र हित में होगा, वही निर्णय होता है। तो सर राम माधव साहब यू नो ही वॉज हेयर रिसेंटली एंड ही ब्रॉट अप द रोहिंग्या इशू एंड ही सेड कि उस पर काम किया जाएगा, यू नो वी विल ब्रिंग इट टू अ सोल्यूशन, तो ये इतने सालों से सोल्यूशन हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये सवाल आपको पूछना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये पूछना आपने कांग्रेस जी, को, बिल्कुल पूछो, जिन्होंने क्यों नहीं यहाँ होने दिया और क्यों लाया, बल्कि इससे यू शुड ऑल्सो एड अनदर सप्लीमेंट्री हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग ब्रॉट, क्यों कर ऐसा हुआ बांग्लादेश से इतने प्रदेश लांग करके ये लोग यहाँ पहुँचे, किसने पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, किसने व्यवस्था की, किसने फंडिंग की, कहाँ से वो राशि आई, और ये क्रम शुरू हुआ था 21वीं शताब्दी शुरू होते ही 2001-2002 उस समय किसकी सरकारें थी और कैसे इनके कहीं कहीं झूठे आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए गए, इसके बारे में यदि स्टेट सब्जेक्ट या आधार कार्ड भी बनाए गए, हमने खुद उसके प्रमाण भी दिए, अगर इसकी चिंता की गई तो मोदी सरकार आने के बाद की गई, उससे पहले तो किसी ने बात छेड़ी भी नहीं ना, बिकॉज इट सूटेड देम, दे थॉट दिस वुड ऐड टू देयर वोट बैंक एक्चुअली, सो कितनी घरौनी राजनीति कि विदेशियों को ला करके अपने वोट बनाए जा रहे हैं, दिस इशू हैज़ बीन टेकन अप ओनली आफ्टर 2014, पहला तो ये सवाल आता है कि उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं उठाया, बिकॉज देवर पार्टी टू इट, देवर पार्टी टू द सेटलमेंट ऑफ रोहिंग्याज एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन मेकिंग दिस सीरियस एलिगेशन, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात, आप राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हैं, वो जब आए थे यहाँ पर 6 या 7 जून को, तब भी उनसे ये प्रश्न पूछा गया था पत्रकार वार्ता, उन्होंने तब भी कहा, उसके बाद इसका फॉलोअप भी हुआ है, होम मिनिस्ट्री पूरी सूचियाँ बना रही है और कुछ कुछ को भेजना भी शुरू कर दिया है, और निश्चय ही रोहिंग्या की सूचियाँ तैयार की जा रही हैं, उनको भेजने की भी डेटाबेस बन रहा है उनकी भी, हाँ बिल्कुल, और उनको भेजने की भी प्रक्रिया पर अमल शुरू हुआ है, और साथ ही साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जा रही है, ये सब कुछ अभी हुआ है, सो ऑब्वियसली दी कंसर्न ऑफ रोहिंग्या प्रेजेंस हैज बीन रियलाइज्ड ओनली बाय दी मोदी गवर्नमेंट, वेयर एज द अदर्स वर फीलिंग कंफर्टेबल विद देयर प्रेजेंस, तो आरोप तो उन पे लगता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरी जाँच हो, जहाँ ये सवाल उठता है कि अभी तक क्या किया 4 साल में, हम ये कहेंगे कि जाँच पीछे से शुरू करिए, 18 साल से शुरू करिए कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों कर आए ये पहुँचे कैसे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये 35A को लेके कोई निर्णायक फैसला कब तक आएगा या कुछ है?
क्योंकि सब लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन है जो हॉट टॉपिक बना होता है। 35A को लेकर के जो हमारा विचार है वो आप सबको पता है, भारतीय जनता, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय कब हो, कैसे हो, वो सार्वजनिक तौर पर चर्चा का विषय नहीं रहता सरकार का, किसी भी का। सवाल ये है कि जो ये सवाल उठा रहे हैं उनका क्या पक्ष है। अब उदाहरण के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इज इट इन सपोर्ट ऑफ 35A और नॉट इन सपोर्ट, क्या आप ये उत्तर दे सकती हैं? आप कहेंगे हाँ वो कहते हैं हम 35A को सपोर्ट, हम सपोर्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि जाए, यही कहेंगे ना अपेरेंटली, यही लगे। अगर वो 35, तो फिर ये बताइए वो अपने लोगों से दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। दे बायकॉटेड द लोकल बॉडी इलेक्शन टू प्रोटेक्ट 35A, नाउ दे वांट टू कंटेस्ट द लोकल बॉडी इलेक्शन, द असेंबली इलेक्शन टू प्रोटेक्ट 35A। अब ये बताइए, उनके पास इसका जवाब, हो ही नहीं सकता। दे आर एक्चुअली द पीपल गिल्टी ऑफ यूजिंग 35A एज ए पोलिटिकल टूल फॉर एक्सपीडियंसी। अब इनसे पूछिए कि आर यू, अगर आपको 35A की इतनी चिंता है, यदि उस समय स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, लोकल बॉडी तो इतनी थी, तो आप अभी असेंबली के चुनाव में क्यों भाग ले रहे हैं, लेने को तैयार हो, रोज़ कह रहे हैं कि कराइए। इनको तो तब तक संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, चुनावी जीवन से पूरी तरह अपने आप को किनारा कर लेना चाहिए, संत बन जाना चाहिए जब तक कि 35A का फैसला ना हो। अब इनको नहीं सूट करता क्यों? देखिए, मैं आरोप लगाऊंगा इन पर, आप उनसे पूछिएगा। द रीजन इज दैट दे आर द सेम पार्टी हु हैव बीन वॉसिफरियसली डिमांडिंग अटोनमी। अटोनमी फॉर हूम? अटोनमी फॉर फादर, सन एंड ग्रैंडफादर, नॉट अटोनमी फॉर द पंचेज एंड सरपंचेज। अगर आपको सही माने में बॉयकॉट करना है तो दोनों, अगर आपको सही माने में अटोनमी के मूल मंत्र पर इतना विश्वास है, प्रतिबद्धता, तो अटोनमी तो शुरू होती है ग्रास रूट से। आप पंचों सरपंचों के चुनाव बाइकआउट करते हैं, उसके पक्ष में नहीं, कि पंच सरपंच को अटॉर्नमी ना मिले, उसको स्वायत्तता ना मिले, स्थानीय इकाइयों को ना मिले, लेकिन हाँ पहले दादा को मिली, फिर बाप को मिली, अब बेटे को मिले। सो दे आर एक्चुअली फूलिंग देयर ओन इलेक्ट्रेट, जम्मू का लोगों को इतना नहीं जितना कि वो कश्मीर के लोगों के साथ दगा कर रहे हैं, जिनसे वो वोट ले रहे हैं, उनको ठग करके वोट ले रहे हैं। तो सवाल तो उन पर होना चाहिए कि अटॉर्नमी फॉर होम, बाइकआउट फॉर होम, 35A दिस वे और दैट वे। तो कहने का तात्पर्य ये कि दिस इज दीज पार्टीज, द कश्मीर सेंट्रिक पोलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो देयर अलाई नेमली द कांग्रेस, विच हैव ट्रिवलाइज द इशू ऑफ 35A टू सूट देयर पोलिटिकल कन्वेंशन, एंड दे डो नॉट हैव एनी आइडियोलॉजिकल स्टैंड, दे हैव ओनली स्टैंड बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिज्म। जैसे कि सर इनका भी फ्रेंडली अलायंस, इन्होंने बोला हम करेंगे वोटिंग को लेके, NC और कांग्रेस ने बोला है ना लोकसभा की सीट्स, कुछ सीट्स के लिए, मेरे ख्याल से जम्मू और उधमपुर के लिए उन्होंने बोला कि हम एक अलायंस बनाएंगे, तो आपका उसके लिए क्या कहना है? मतलब ये जैसे वो आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया कि ये अपने में ही इस प्रकार की बात है कि जिसके पे कोई तर्क नहीं और कोई इसको विश्वास नहीं करेगा, कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं देगा। अगर यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि वो कह रहे हैं हो मोदी जी आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, जितेंद्र सिंह बहुत मुश्किल हो जाएगी, बीजेपी आएगी बहुत मुश्किल होगी। मुझे अगले दिन किसी ने कहा जब से 2014 से आप आए तबाही हो गई इस प्रदेश में। मैंने कहा तो उससे पहले क्या राम राज्य था क्या? आप मुझे बताइए, उससे पहले तो 50 साल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खानदान ने राज किया है। तो आप भी एक जागरूक शहरी हैं, आप कह सकती हैं कि 2014 से पहले राम राज्य चल रहा था इस प्रदेश में, जो भाजपा ने आके मोदी जी ने कहा। अगर हम भारत माता की जय कहते हैं तो क्या गलत किया है? अगर मोदी जी ने घर घर में मुफ्त गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया तो क्या गलत किया? जब मुफ्त गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, ये तो नहीं पूछा कि ये घर मुसलमान का है कि हिंदू का है कि ब्राह्मण का है कि राजपूत का है कि दलित का है। और ये जो पाकिस्तान मुर्दाबाद वालों का समर्थन कहते हैं, इनको हमसे खतरा है? इसका मतलब है कि भारत को खतरा ये दे, भारत हो तेरे टुकड़े टुकड़े, वो उसका समर्थन करते हैं। तो जो भारत को चुनौती देने वाले लोग हैं उनकी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए ये हमसे डरते हैं, या शायद ऐसा तो नहीं कि अपनी चौकी जो इनकी चोरी चकारी है, जो धोखाधड़ी है, जो बरसों से ये घोटाले करते आ रहे हैं, उससे इनको लगता है कि अब अंकुश लग रहा है मोदी जी के आने से, उससे घबराते हैं। लेकिन देश की जनता हमारे साथ है, क्योंकि वास्तविक प्रजातंत्र अगर देश में आया है तो इस सरकार के आने के बाद आया। प्रजातंत्र का मूल क्या है? कि हर बच्चे को पैदा होते ही, चाहे किसी घर में हो, उसके अंदर इतना साहस हो ये कल्पना करने का कि मैं बड़ा होकर के बड़े से बड़े पद पर बैठ सकता हूँ, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी परिश्रम के आधार पर। ये नहीं है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी जन्मपत्री लिख दी जाती है,
कि इस माँ का बेटा जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, इस माँ का बेटा होगा मुख्यमंत्री होगा, तो फिर प्रजातंत्र। हमने युवाओं के लिए नए आयाम खोले हैं। नई पार्टी बनी है शाह फैजल की जो पार्टी है, तो डू यू हैव एनी कुछ है आपके उसके बारे में? नहीं नहीं, आई थिंक इट्स हमारे इट्स नॉट वर्थ गेटिंग इन टू ऑल दैट, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को पार्टी खोलने का अधिकार है, उसको हम रोक भी नहीं सकते, उसका स्वागत है। मैं नहीं निंदा भी नहीं करता, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी ऊर्जा और हमें हम वी हैव लर्न टू स्पेंड आर टाइम एंड एनर्जी ऑन फोकसिंग ऑन आर एजेंडा, और तभी ये इतने जो विकास के कार्य हुए इसलिए हुए हैं। जो दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस और ध्यान देते हैं उनसे कोई काम नहीं हो पाता, तो इसलिए इनका ये हाल है जी। तो सर अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है कि मेरा एनसी के साथ भी इंटरव्यू हुआ है, कांग्रेस के साथ भी हुआ है, ये पैंथर्स पार्टी के साथ भी हुआ है, तो पोस्ट पुलवामा जो जम्मू में टेंशन हुआ था, कर्फ्यू था काफ़ी देर और थोड़ा कम्युनल वायलेंस का कहीं कहीं किसी एरियाज में बन रहा था, तो दे आर अक्यूजिंग बीजेपी ऑफ डूइंग दैट, दे आर सेइंग दैट यू नो बीजेपी वॉज अ पार्ट ऑफ। अब इसमें एक बात मुझे बताइए, आपके सबके साथ इंटरव्यू हुआ, आप समाचार भी पत्र भरपूर पढ़ती होंगी, एक भी मुझे स्टेटमेंट दे दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता की ओर से या कांग्रेस के किसी नेता की ओर से पुलवामा के बाद, जिसमें उसने जैश ए मोहम्मद का नाम लेकर के नेम एंड शेम किया हो, पाकिस्तान का नाम लेकर के नेम एंड शेम किया हो। उनकी स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, मैंने भी पत्रकारिता 30 साल की पूरी चक्की से पीस करके यहाँ पहुँचा हूँ, इतने आसानी से मूर्ख नहीं बनता। क्या लिखते हैं? यस वी कंडेम वायलेंस, वायलेंस इज बैड एनीवेयर। बड़ी फलसफाना, आपको भी सुनने में अच्छा, देखिए कितनी फलसफाना, भले ये तो पहली कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता है कि हिंसा बुरी चीज़। दूसरा क्या लिखेंगे? वायलेंस हैज़ नथिंग टू डू विद सिविलाइज सोसाइटी, है ना, बड़ा पेट बयान है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, कश्मीर के नेताओं का। आपको लगता है पत्रकारों के, देखिए कितनी खूबसूरत अंग्रेजी और कितना फलसफाना आइडिया। नहीं नहीं सर, हम समझते हैं। आप समझ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, गरीबत है, लेकिन दिस डज नॉट सॉर्ट, दे नीदर हैव द करेज नॉर कन्विक्शन टू अनएम्बिगुअसली शेम एंड नेम द टेररिस्ट। जिस बुलंदी के साथ, हौसले के साथ आप एक फौजी के ऊपर उंगली उठाते हैं बिना आधार के, अनसब्सटेंशिएट चार्ज, क्यों नहीं आप, इसका मतलब है आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने लोगों से धोखा कर रहे हैं। वॉट यू आर टॉकिंग इज नॉट आउट ऑफ कन्विक्शन, इट इज़ आउट ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि आप में इतना साहस नहीं है आतंकी को आतंकी कहने को, क्योंकि वो पलटवार कर सकता है, क्योंकि वो आपको हवाला के पैसे देता है, लेकिन आप फौजी को कहें तो वो तो अनुशासन से बधा है, वो तो कोई आपकी जवाबी कार्रवाई करेगा नहीं, करेगा तो बेचारे का कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इसलिए वो उसको गाली देना आसान है। पुलवामा के अटैक के बाद इन्होंने एक भी नेता ने पुलवामा के अटैक की निंदा नहीं की, बल्कि इनके एक नेता ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, अपने आप को भावी प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी, उनके एडवाइज़र सैम पिट्रोडा ने कहा कि पुलवामा जैसे अटैक तो होते रहते हैं हिंदुस्तान में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, दैट इज जस्ट अबाउट 1 week बैक। तो इन लोगों का तो ये पक्ष है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या कह सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि जो पुलवामा का अटैक हुआ, जिसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP जो कश्मीर सेंट्रिक दल है, जब ये सत्ता में होते हैं तो भारत माता की जय ये भी बोलना शुरू करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो इनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इनको चॉइस दी जाए तो कभी पाकिस्तान जाके रहना भी नहीं पसंद करेंगे। इन लोगों की क्या करेज है और करेज ऑफ कन्विक्शन है, सवाल तो ये पैदा होता है जी। बिल्कुल। और जब आपने कहा यही लोग हैं, टू ऐड टू योर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसका भाग का आप ये भी मुझसे पूछिए कि ये जो पुलवामा वाले हैं ये भी कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक नहीं हुई। बिल्कुल कह रहे हैं ना। अब उसका उत्तर तो और कोई हो नहीं सकता, जैसे मैंने कहा कि कैप्टन अभिनंदन इज बैक इन श्रीनगर, अभी कल ही आया उनका पूरा वो एक्सरसाइज पूरी हो गई, वापस आए वो, फिर ही इज रेडी टू फ्लाई। अब हम उनके तक निवेदन पहुंचा देंगे कि ये 2-3 नेता, नाम में लेना किसी का व्यक्ति का नाम लेता नहीं, सबको पता है, और दिग्गज नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के PDP के, उनको आप उनके जहाज में बिठा दीजिए, बल्कि नीचे कोई ऐसा बना दीजिए एक एनक्लोजर सा जहाँ वो बैठ के नज़दीक से देख सके, वो भी सेल्फी लेकर के आ जाए वहाँ हुआ कि नहीं हुआ, एट दी बट रिस्क उनका होगा वापस लौटना। अब ये तो वो लोग हैं, तो इन बातों की क्रेडिबिलिटी क्या? और यही लोग कह रहे हैं, कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, कि मोदी जी को मत आने दीजिए, बीजेपी को मत आने दीजिए, जितेंद्र सिंह को मत आने दीजिए, हमें खतरा है। मैंने सैकड़ों की तादाद में आतंकियों की मृत्यु, 350 लेकिन चीखो पुकार वहाँ हुई। वो एक पुराना गीत है, पुराना गीत था मोहम्मद रफ़ी का, आरती फिल्म का, आपने पता नहीं फिल्में पुरानी देखती कि नहीं, कि दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई,
तो चोट वहां लगी, जब दो दिन बाद पता चला तो दर्द यहां हुई। तो उसी से मुझे लगता है ये बेनकाब हो गए ये लोग पूरे देश के आगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। इट वाज अ जॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। पीपल यू नो व्हाट टू डू नाउ। वी हैव 77 लाख वोटर्स फ्रॉम J&K दिस टाइम। ऑल वी आर आस्किंग यू इज 11 अप्रैल से J&K में वोटिंग स्टार्ट है, हमारे वाली 18 को है, उधमपुर की 18 को है, तो आपको क्या करना है? आपको निकलना है और अपने साथ के लोगों को निकालना है और सही इंसान को वोट करना है। इट इज फॉर यू टू डिसाइड, यू टू सी। तो आंखें खोलिए और बटन दबाइए।